हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर सागो, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इजीली रेसिपी बन जाती है। ये चॉकलेट सागो है, जो कि चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद आती है और चॉकलेट से बनी हुई रेसिपीज़ भी बहुत ही पसंद आती हैं। टेस्टी डेजर्ट के रूप में आप इसको सर्व कर सकते हैं, एक ड्रिंक के रूप में आप इसको सर्व कर सकते हैं, आइसक्रीम के साथ आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं चॉकलेट सागो किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिल्क ले लिया है, लगभग 2 से 3 ग्लास मैंने यहाँ पे दूध लिया है। ये लगभग 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको अभी हम पहले बॉयल आने देंगे। दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 छोटी कटोरी। मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया था और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके 2-3 घंटे के लिए उसको भिगो लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। और अब हम इस 1/2 लीटर दूध में इस साबूदाने को डालेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। साबूदाना अच्छे से कुक हो गया है और देख रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, कम या ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इसमें चॉकलेट भी ऐड करेंगे तो थोड़ा कम ही डालें। तो मैंने चीनी डाल दी है और साथ में हम डालें यहाँ पर लगभग 4 से 5 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर चॉकलेट। क्रश करके डाल लीजिए, आप इसमें जो हर्शीज सिरप होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चीनी और चॉकलेट दोनों ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसको फ्रिज में रखकर चिल्ड करेंगे और साथ में फिर सर्व करेंगे। तो ठंडा होने देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। अच्छे से हमारा जो ड्रिंक है या सागो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, यानी ठंडा हो गया है, चिल्ड हो गया है। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा हर्ष सिरप डाल लीजिए, चॉकलेट सिरप डाल लीजिए, आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पे थोड़े से चोको चिप्स। बहुत ही टेस्टी हमारा ये जो ड्रिंक है वो लगेगा, ठंडा ठंडा सर्व करने में और साथ में खाने में भी। और ये हमारा गर्मी का स्पेशल सागो ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है, जिसको आप फ्रिज में रखकर खाइए। अगर आप इसको स्पून से खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा थिक भी कर सकते हैं और इसके साथ आप आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और बच्चों के लिए एक हल्का और टेस्टी एक डेजर्ट भी हो गया है ये, साथ में चॉकलेट के साथ आप इसको सर्व करिए, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ठंडी ठंडी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।